Assalamualaikum my YouTube family, सब कैसे हैं? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे और बहुत खुश होंगे। आज की वीडियो तमाम नेल पॉलिशेस के ऊपर है जो मुझे पसंद है, जो मेरे पास हैं। अच्छा जी, एक और बात, जब नेल पॉलिश सूख जाती है, सपोज ये वाली मेरी नेल पॉलिश सूखी हुई है, मैंने क्या करना है, इसको खोलना है, इसके अंदर 4 ड्रॉप्स मैंने नेल रिमूवर के डालने हैं, ठीक है जी। अब सपोज करें आप जिस तरह मैथ में एक्स वाई जी थीटा करते होते थे, ये है सॉस पैन, नीचे आग जलाई, ये आग जल रही है, ठीक है जी। यहाँ पे पानी हमने डाल दिया, बॉयल आना शुरू हो गया। जैसे ही बॉयल आना शुरू होगा, आग को हमने बंद कर देना है। आग बंद होगी। इसके अंदर हमने 5 मिनट के लिए इसका मुंह बाहर निकाल के सिर्फ हमने इसकी बॉडी पानी के अंदर डाल देनी है 5 मिनट के लिए। आप लोग की नेल पॉलिश चौकस हो जाएगी, लेकिन शर्त यह है इस्तेमाल करके खत्म नहीं करनी, सुखानी है। जो खत्म हो जाएगी वो भी तो नेल पॉलिश नहीं ना बन सकती, जो सूखी होगी वो सही हो जाएगी इससे। चले जी, अब हम नेल पॉलिश करने चलते हैं। हाँ जी, तो ये सारी नेल पॉलिशेस है मेरे पास, मैं बारी बारी सबके स्वाचेस दिखाऊंगी आप लोगों को विद नंबर, और बताऊंगी कि कौन सी नेल पॉलिशेस मेरी बहुत ज्यादा पसंदीदा है, ठीक है। सबसे पहले हम मेकअप रिमूवर की बात कर लेते हैं। मैं ये वाला मेकअप रिमूवर यूज करती हूँ, स्वीट टच का, ठीक है जी। इसकी प्लास्टिक की इस तरह की बॉटल है जो कि हम सफर में बड़ी आसानी से लेके जा सकते, टूटती छूटती नहीं है ये, ठीक है जी। ये स्वीट टच का मैं यूज करती हूँ। सबसे पहले बात कर लेते हैं, मैंने नेल पॉलिश लगाई हुई है, आज की स्टोरी में मैंने लगाई थी, सब मुझसे पूछ रहे थे आपने कौन सा शेड लगाया हुआ है। मैंने लगाया हुआ है लैला कॉस्मेटिक्स का 19 नंबर, बेहतरीन कलर है ये, बेहतरीन, बहुत ही प्यारा है ये, देखिए, ठीक है जी, लैला कॉस्मेटिक्स का 19 नंबर। अच्छा जी, तो दूसरा शेड है वो है मेडोरा का 469, जो कि मैंने यहाँ पे हल्का सा लगाया है, आप लोग देख सकते हैं, ठीक है जी। ये भी बहुत प्यारा शेड है, इसकी इस तरह की मेरे पास 2 हैं, एक ये पड़ी है और एक ये पड़ी है, ठीक है जी। अच्छा जी, उसके बाद बारी आती है मेडोरा की 319, ये है रेड सा कलर, बहुत ही प्यारा रेड सा कलर है ये, जिनकी शादी होने वाली है उनको तो मैं रिकमेंड करूंगी, ये आप लोग दस्ती ले लें, ठीक है जी। ये इस तरह का कुछ कलर है, मेडोरा 319। उसके बाद बारी आती है मेडोरा की 337 की, ठीक है जी। इधर कलर आप लोग को सही तरह नजर नहीं आ रहा, लेकिन ये बहुत ही ना कोई प्यारा सा पिंक है, अब आप लोग को नजर आ रहा है, ये देखिए, ये मैं 4 साल से लगातार ले रही हूं, ये पाँव पे लगा हुआ बहुत प्यारा लगता है। जिनके पाँव पे कोई कलर सूट नहीं ना करता, वो ये वाला मेडोरा 337 लगा के अपने पाँव पे देखें, बहुत सूट करेगा। ठीक है जी, उसके बाद बारी आती है मेडोरा की 477, जिनको सिल्वर कलर पसंद है ये वाले उनके लिए बेस्ट शेड है, ठीक है जी। ये इस तरह का सिल्वर है, थोड़ी सी गंदी लग गई फटाफट, ये जी इस तरह का सिल्वर है, ठीक है जी, मेडोरा 477। उसके बाद बारी आती है मेडोरा की 368 की, ये मैं सबके लिए रिकमेंड करूंगी, सबके हाथों पे अच्छा लगेगा, जो सिल्वर है वो सबके हाथों पे अच्छा नहीं लगता, ठीक है जी। जिनके थोड़े से डार्क कॉम्प्लेक्शन है उन पे ये बहुत सूट करेगा, बाकी लोग जिनका फेयर कॉम्प्लेक्शन है उन पे सिल्वर अच्छा लगेगा, बाकी जो ये वाली ऊपर वाली है सब लोगों के लिए, ठीक है जी। अब ये वाला इस तरह का है, ये बहुत अच्छा लगता है लगा हुआ, अभी तो इस तरह अच्छा नहीं ना लग रहा, इस तरह टूटा पचा लगा हुआ, लेकिन ये बहुत अच्छा लगता है, ठीक है जी, मेडोरा 368। उसके बाद बारी आती है मेडोरा की 435 शेड की, ठीक है जी। ये पर्पल शेड है, ये इस तरह का दिखता है, कैसे दिखाऊं यार, की हो गया है, हाथ इतने कोचे लग रहे हैं ना, ओह माय गॉड, ये देखिए अब शेड आ रहा है क्लियर, ये इस तरह का शेड है, स्पाइडरमैन, ये जी मेडोरा 435। उसके बाद शेड आता है मेडोरा का 44, जो कि ग्लिटर में है, बहुत ही हसीन है, ठीक है जी। ये तो मैं सबको कहूंगी, रिकमेंड करूंगी ये ले लें। देखें जी, सबसे पहले नंबर पे जो मैंने नेल पेंट लगाया था, मैंने उसके ऊपर अप्लाई किए, ये 4 चांद लग गए हैं, ये देखिए, ठीक है जी, नजर आ रहा है ना आप लोग को, वो लाइट्स नहीं है ना सही,
ये जी मैंने इस पे लगाया, बुढ़े हाथ लग रहे हैं, लोशन ही लगाया हुआ। ये जी मैं डोरा 44 बेस्ट रिकमेंडेड। उसके बाद मैं लाइंस वो टिक कर दूंगी जो जो सबको लेनी चाहिए, मस्ट हैव्स हैं, ठीक है जी। उसके बाद बारी आती है स्वीट टच के हार्ट कैफे की। ये मैंने अक्सर लगाई होती है जब लड़कियां मुझसे पूछते हैं कि आपने कौन सा लगाया, ये वाली तो हाईली रिकमेंडेड है, बहुत ही प्यारी लगती है। अच्छा जी ये देखिए, ठीक है जी, ये वाली नेल पॉलिश, ये वाली बहन भाई ही है लेकिन इनमें फर्क है, ये देखिए ना, इसमें और इसमें फर्क है 19-20 का, ठीक है जी। ये है स्वीट टच की हार्ट कैफेस नेल पॉलिश का नेम है। अच्छा जी, उसके बाद मिस रोज़ की नेल पॉलिशेस की बारी आती है जो कि मैं हाईली रिकमेंड करूँगी। बहुत अच्छी नेल पॉलिशेस हैं, इनके कलर बहुत अच्छे हैं, स्मूथ टेक्सचर है और जल्दी से ड्राई हो जाती है, पैची नहीं होती है। और जिस पेज से मुझे आई थी मैं पेज टैग भी कर दूंगी, अगर आप लोगों ने लेनी होंगी तो ये सारी नेल पॉलिशेस आप ले सकते हैं, ठीक है जी। ये लेने के लिए आप लोग को बाजार जाना पड़ेगा, ये आप लोग घर बैठे ऑर्डर कर सकते हैं। अच्छा, सबसे पहला शेड है मैरून सा 04, उसके बाद है ब्राउन सा 31, उसके बाद पीच ऑरेंज सा है 08, उसके बाद ब्लैक है, जिसको ब्लैक अच्छी लगती है वो 07 ले लें, मैं ब्लैक यूज़ नहीं करती हूँ। उसके बाद ग्रे शेड है, ये लगा के तो हाथ है नेक्स्ट लेवल गोरे लगते हैं, ठीक है जी, 33। उसके बाद ये वाला शेड है 130, ये लगा के भी हाथ बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन शर्त ये है कि ये लगाने के बाद आप लोग बाहर निकल जाओ घूमने फिरने, घर के अंदर आओगे तो आपके हाथ काले लगेंगे। उसके बाद है सिल्वर, अगर आप लोगों ने ये वाला 14 सिल्वर लेना है तो आप लोग मिडोरा का 477 स्किप कर दो, ये ले लो। ये वाला लेना है तो ये स्किप कर दो, ये नहीं लेना तो ये स्किप कर दो, ठीक है जी। एक ये ऑलमोस्ट दोनों सेम ही है। ये जी शेड्स हैं, एक ये शेड है, ठीक है जी, इसका नंबर है 04, इसका है 13, इसका है 8, इसका है 7 ब्लैक। ये मैं लगा के नहीं दिखा रही थी, अब वो जगह ख़त्म हो गई है। ये है 33, ये बहुत प्यारा कलर है, ये देखें। अच्छा जी, उसके बाद है 130, उसके बाद है जी सिल्वर 14, ठीक है जी। डिस्क्रिप्शन में आप लोग पेज देख लीजिएगा, मैं टैग कर दूंगी आप लोग के लिए। हाँ जी, अब मैंने मिस्ट्रोज लिख दिया ताकि कन्फ्यूजन ना आप लोग को, मिस्ट्रोज 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 मिस्ट्रोज। अब आप लोग स्क्रीन शॉट ले लें, बाकी जो थोड़ी सी रह गई मैं आप लोगों को वो भी दिखा देती हूँ, ठीक है। सारी ये वाली भी और ये वाली मैंने आप लोग को दिखा दी। अब हम अगला सफ़ा करते हैं, अगला सफ़े पे ए फॉर एप्पल बी फॉर बॉल करते हैं, ठीक है जी। हाँ जी, उसके बाद बारी आती है इंग्लॉट की ब्रीथेबल नेल पेंट 502 नंबर। ये पर्पल सा कलर है, मैं कहती हूँ कमाल कलर है, कमाल। ये मेरी ख़त्म हो गई है, ये मेरा अब लेनी है इस दफ़ा दोबारा। ये आप लोग को शेड पता नहीं चल रहा 504, लेकिन ये कमाल कलर है। आप लोग जाना इंग्लॉट की ब्रांच में और आप लोग लगा के चेक करना है कितना प्यारा कलर है। कहते हैं ना सदाबहार कलर, ये वो वाला कलर है, ठीक है जी। उसके बाद जी ये नेल पॉलिशेस रह गई हैं कुछ, ये भी मिस्ट्रोस की बहुत फारिग नेल पेंट है, इसको मैं रिकमेंड नहीं करूंगी। इसको भी ये दोनों हैं, मैंने मिनी सो से ली थी, बहुत बुरी लगती है, शक्ल देखने में अच्छी लग रही लेकिन अप्लाई करते तो अप्लाई नहीं होती, बहुत ही पानी पानी है, ठीक है जी, इसको अप्लाई नहीं करूंगी। इंग्लॉट की ये वाली नेल पेंट भी मैं इसको रिकमेंड नहीं करूंगी, ये भी इतनी अच्छी नहीं लगती, बाहर से शक्ल अच्छी लग रही है लेकिन लगी हुई अच्छी नहीं लगती। ये छोटू मोटू मिनू चिन्नू किन्नू जी, ये भी लगे हुए बहुत फारिग लगते हैं। ये है पील ऑफ, पील ऑफ ये ऐसे है कि भी लगाओगे, ठीक है जी, और आप लोग ने क्या किया है कि लगा के किसी को हाथ लगा दिया तो ये जनाब साहब ये गुर गायब। उसके बाद रह गई ये किसकी है जी, ऑस्कर ब्यूटी, ये इसके अंदर से पेट्रोल जैसी स्मेल आती है, ये भी नहीं मैं रिकमेंड करूँगी। और ये मिडोरा का शेड 625, ये भी मैं रिकमेंड नहीं करूँगी। ये एक दफ़ा जब लग जाएगी ना, फिर आपको उतारने के लिए ना बहुत ही वेला टाइम चाहिए, मतलब 2 घंटे आप लोग सुकून से उतारो इसको, पत्थर बन जाती है। शेड इसका भी बता देती हूँ 42 ऑस्कर ब्यूटी का, इसका कोई शेड नहीं है। ये इंग्लॉट का भी शेड आप लोग को बता देती हूँ 924, इसका कोई शेड ही नहीं है, ये वैसे ही चुकी थी मैंने मिनी सो से। मिनी सो की कोई शेड्स नहीं होते। ये जो है
मिस रोज की ये भी बड़ी फारिग है, ये 18 नंबर। ठीक है जी, अब मैं आप लोग को बताती हूँ जी कौन सी आप लोग की मस्ट हैव्स हैं, आपने लेनी लेनी है। ठीक है जी, एक तो मतलब मैं मशवरा दे रही हूँ, ये वाली कमाल स्टार मिला है इसको। ठीक है जी, ओहो मेरे सब कुछ चिपक गया। इसमें से आप लोग ये वाली, ये वाली, ये वाली, तो ये लोग तो हर कोई यूज़ कर सकते हैं। ठीक है जी, बाकी ये वाली भी चॉइस होती है, ये भी चॉइस होती है, ये भी चॉइस होती है, ये भी चॉइस होती है, जो पूरी वाम इस्तेमाल कर सकती है ना, ये तीन कलर्स हैं। ठीक है जी, मैं ये भी इस्तेमाल करती हूँ और ये भी करती हूँ, बाकी ये काला नहीं बस मैं करती। अच्छा, इसमें से ये जो वाली जो मैंने अभी लगाई हुई है ये, ठीक है जी, ये वाली, ये बहुत अच्छी है। ठीक है जी, इसको आप बेशक स्किप कर दें, इसको रहने दें, ये एक्स्ट्रा हो जाएगी। उसके बाद ये पिंक बहुत अच्छा है, ये कलर, ये बहुत अच्छा पिंक है। टिक मारना था, सॉरी, ये टिक मारना था, ये टिक हो गया। उसके बाद ये वाली, ये बहुत फिट है। ठीक है जी, सिल्वर रहने दे, सब पे सूट नहीं करती होती, ये बहुत अच्छी है, ये भी ले लीजिएगा। स्वीट टच की है, हार्ट कैफे तो ले ही लीजिएगा ना, ये कमाल है। ठीक है जी, अब टोटल कितनी मैंने रिकमेंड की हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ठीक है जी, दसवीं भी कर दूँ, दसवीं। ये जी मिडोरा की ये रेड वाली ले लीजिए, ये बहुत अच्छी है। ठीक है जी, जिन पे टिक हैं वो रिकमेंडेड है। ये वाली मिस रोज की 31, मिस रोज की 08, मिस रोज की 33, लैला कॉस्मेटिक्स की 19 नंबर, मिडोरा का 319, मिडोरा का 337, मिडोरा का 368, मिडोरा का 44, स्वीट टच का हार्ट कैफे, इसका नंबर नहीं है, इसका नाम है। ठीक है जी, उसके बाद इंग्लॉट का 502 ब्रीथेबल में चाहिए आप लोगों को। ठीक है, आप लोगों ने क्या, अच्छा जी, आप लोगों ने क्या करना, जब आप लोग दुकान पर जाया करें नेल पॉलिशेस लेने के लिए, तो आप लोगों ने हाथों पे लोशन लगा के जाना है। इस तरह जी, लोशन के बगैर हाथ कुछ इस तरह के दिखते हैं। ठीक है जी, तो सही तरह नेल पेंट्स का पता नहीं चलता। लोशन लगाया होगा तो हाथ अच्छे लगेंगे और नेल पॉलिशेस का सही अंदाज़ा हो जाएगा। और कुछ नेल पॉलिशेस ऐसी होती हैं कि हम लोग जब वहाँ लगाते हैं इतनी चमचम रोशनियों में तो अच्छे लगते हैं, घर आके रोशनियाँ डिम होती हैं तो हाथ काले लगते हैं। ये सिर्फ इंसान का ना वहम होता है, मेरे साथ भी ऐसे ही होता है। तो आप लोग जाएँ देखें और मुझे बताइएगा कि आप लोग को कैसे लगे नेल पॉलिशेस जब आप लोग लेंगे। ठीक है जी, चलें, ओके जी, स्क्रीन शॉट ले लिया सबने, ले लो ले लो ले लो ले लो ले लो ले लो। ये देखें, गंद मार दिया मैंने, पता है क्या, कैमरे की तरफ देख के कर रही थी ना, मुझे समझ नहीं सही तरह लग रही थी, उसके लिए जी माजरत। हाँ जी जनाब, अब आप लोग ने सारी नेल पॉलिशेस देख ली हैं, जो जो मुझे पसंद है मैंने आप लोग को 7 शेड्स ही बता दिया है जी। अब मैं अपनी सारा ये जो मैंने आप लोग को करके दिखाया तब से ये सारा उतार रही हूँ, हाथ साफ कर रही हूँ। चलें जी, अब आप जाएं, लेनी इस तरह है कि आप लोग ने जाके अपने हाथ पे लगा के देखनी है, अगर अच्छी लगी तो ले लीजिएगा, अगर नहीं अच्छी लगी तो पैसे जाया ना कीजिएगा। ओके जी, आऊंगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।